हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी मंजिल में। ये कंप्यूटर का पार्ट 4 है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में जानेंगे। प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते समय कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को निर्देश दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा 3 प्रकार की होती है, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। पहले बात करते हैं मशीनी भाषा क्या होती है। मशीनी भाषा एक निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मशीनी भाषा कैसी है? निम्न स्तर की है जिसमें केवल कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसको मनुष्य नहीं समझ सकता व मनुष्य इसके प्रोग्राम तैयार नहीं कर सकता। मशीनी भाषा केवल बाइनरी नंबर 0 और 1 की श्रृंखला से बनी होती है। तो आपको याद रखना है मशीनी भाषा कैसी होती है, निम्न स्तरीय होती है और 0 व 1 की श्रृंखला से बनी होती है। असेंबली भाषा का उद्गार प्रोग्रामिंग को सरल करने के लिए किया जाता है। इसमें बाइनरी संख्याओं के स्थान पर नेमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस भाषा का उपयोग करने से पहले इसे मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है। इसके लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। याद रखना, जब भी मशीनी भाषा होगी पहले उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मशीनी भाषा में, मतलब जो असेंबली भाषा होगी उसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, मशीनी भाषा में चेंज करना। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। आपसे पूछा जाएगा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है, तो आपको याद रखना है असेंबलर जो है वो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आगे, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मनुष्य द्वारा समझने में आसान होती है क्योंकि इसमें अंग्रेजी के वर्णों का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को कंपाइलर की सहायता से मशीनी भाषा में बदला जाता है। यहाँ भी याद रखिएगा, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है उसको मशीनी भाषा में बदलना पड़ेगा और उसके लिए यूज करेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित किया जाता है। कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा निम्न प्रकार की होती है, जैसे पहली पूछी जाती है फोर्टरन। यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। आपसे पूछा जाए पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी, तो आप बोलेंगे फोर्टरन, जिसका विकास जॉन बैक्स के द्वारा 1956 में किया गया। दूसरा है एल्गोल, इसका विकास जॉन बैक्स द्वारा 1958 में किया गया। अगला कोबोल, इसका विकास 1959 में ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया। अगला है APL, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका विकास 1964 में किनीथ ई इनवर्सन द्वारा किया गया। अगला है बेसिक, जो हम लोग कंप्यूटर में सीखते हैं, तो आपको याद रखना है बेसिक, तो इसका पूरा नाम भी याद रखना है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका विकास जॉन जेरोज किमिनी व थॉमस यूजीन क्रूटस द्वारा 1964 में किया गया। अगला है सी भाषा, सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास डेनिस रिची द्वारा 1974 में किया गया। डेनिस रिची को सी भाषा का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखना सी भाषा का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डेनिस रिची। अगला है पास्कल, इसका विकास निकलस विर्थ द्वारा 1970 में किया गया। अगला है कोमाल, इसका विकास जो किया गया वो भी पूछा जाता है, बेनेडिक्ट फॉल स्टिड एंड बोरिज क्रिस्टेशंस द्वारा 1973 में किया गया। अगला जावा प्रोग्रामिंग का विकास जेम्स गॉसलिंग द्वारा 1959 में किया गया।
कुछ और है जो पूछी जाती है, वो जानना C++, SQL, RPG, PLI, या आपसे बोलेगा लोगो, DCL और एक्सेल। ये कुछ ऐसी हैं जो उच्च स्तरीय भाषा हैं। आपको पेपर में कहेगा उच्च स्तरीय भाषा क्या है, चार ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा बताइए ये कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है। तो आपको याद रखना है उच्च स्तरीय भाषा में कौन कौन आती हैं, तो उसमें आपको ये नाम भी याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।